देख रहे हैं कि क्या कभी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो आप पाँच साल से कहते 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 छतरा होगा, क्या होगा, कल होगा, परसों होगा, महीना का वो महीना में वो महीना से जी महीना हो गया। वोट लेने के लिए लंबा चौड़ा भाषण करेंगे। समीर महा से पूछते कि हम बहुत बड़ा हिटलर हो गए मधुबनी जिला का, यहाँ हम लोग मर रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है, अपने एसी में जाके सोते हैं। ये पार्लियामेंट में पास होने वाला साला पॉकेट से ऐसा निकलेगा, अब तुरंत एक रोड बना देगा। एक हमारे कमिश्नर जो है क्या कहते हैं झुंडा खान, वो अपने पॉकेट से भी पैसा निकाल के थोड़ा मोड़ा काम करवा देते, अपना लेते रहते हैं, उसको कमिश्नर कहेगा। ये कमिश्नर ये ऐसा विधायक है कि पॉकेट से 50,000 नहीं निकल सकता, बना सकता है गरीब का ये रोड। हमारे यहाँ का वार्ड कमिश्नर बजरंग महतो है, वो भी एक बार नहीं आते हैं कि हाँ भाई लोग कैसे चलता है, कैसे रहता है, क्या करता है, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है इस गली में। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं बिहार के मधुबनी जिला में और ये मधुबनी जिले का संतु नगर है। आपको बता दें बगल में एक वाटिका होटल है जो काफ़ी मशहूर माना जाता है, और उसी के सामने ये गली है और कुछ मुसलमानों की बस्ती है यहाँ पर, 30-35 घर भी है और ये तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं। और जिस तरह के यहाँ पर हालात है वो आपको तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रही होगी। हम आपको दिखा दें कि ये गली है जो लगभग यहाँ से 350 मीटर के रेंज में यहाँ से अंदर तक गया है और तमाम जगह पर पानी लगा हुआ है। जो कुछ हालात है लोगों के, हम उनसे बातचीत करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है जो यहाँ पर इस तरह के पानी लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ईसा उर्फ मुन्ना, वार्ड नंबर 2 संतु नगर मधुबनी, हमारे वार्ड के बजरंग महतो कमिश्नर साहब। मैंने कहते कहते थक गए, समीर महासेठ जी को मैंने कितना बार कह चुके जिलानी मास्टर की दुकान पे, तो उन्होंने बोला कि भैया बहुत जल्दी बन जाएगा। मैंने ये 5 साल से ही सर यही पापड़ बेलते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बना। आज देख लीजिए मेरे घर में कम से कम यहाँ 35-40 घर है, ये सारा बच्चा सारा सियाना का पाँव जाके देख लीजिए कि क्या दशा है। और वोट लेने के लिए आएंगे लंबा लंबा भाषण देने के लिए। राजकुमार महासेठ का हमारे लड़का है, मेरा नाम समीर महासेठ है। गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, तो गरीब को देखने के लिए कोई नहीं, वोट लेने के लिए सब। जब यहाँ आता है कोई नेता वोट मांगने के लिए, चाहे वो विधायक हो चाहे बगल का कमिश्नर हो जी, तमाम लोग आते हैं, उस वक्त आप लोग बात नहीं रखते उनके पास? बात कहते कहते थक गए। एक हमारे बस्ती के भी ये है, हम इन लोगों का संगी साथी समझिए, मेरा भाई बंधु समझिए, दोनों जोरुआ मिल के लड़ते हैं। हम लोग उस सब पर विश्वास करते हैं। हमारे मोहल्ले के महतो जी है, भतीजा लगेंगे लेकिन फिर भी हम लोग उसको जिता देते हैं, लेकिन उन्होंने इस काम पर ध्यान नहीं देते, वो अपने काम पर ध्यान देते। हम लोग कहते कहते थक गए। समीर महासेठ को 200 PWD से लेकर के और ये 5 फीट चौड़ाई 200 फीट है, मैंने कहते कहते थक गए। बोला भैया समीर महासेठ भैया अब बनेगा, अब बनेगा, जा रहे हैं, पास हो गया है पार्लियामेंट में, पास हो गया, ये पार्लियामेंट में पास होने वाला साला पॉकेट से ऐसा निकलेगा, अब तुरंत एक रोड बना देगा। एक हमारे कमिश्नर जो है क्या कहते हैं झुंडा खान, वो अपने पॉकेट से भी पैसा निकाल के थोड़ा मोड़ा काम करवा देते, अपना लेते रहते हैं, उसको कमिश्नर कहेगा। ये कमिश्नर ये ऐसा विधायक है कि पॉकेट से 50,000 नहीं निकल सकता, बना सकता है गरीब का ये रोड। अब वोट लेने के लिए लंबा चौड़ा भाषण करेंगे। समीर महासेठ पूछते कि हम बहुत बड़ा हिटलर हो गए मधुबनी जिला का, यहाँ हम लोग मर रहे हैं, देखने वाला कोई नहीं है, अपने एसी में जाके सोते हैं। कनिया के देखे अभी क्या क्या हाल हो रहा है, मेरा मेरे गली का क्या हाल है, मेरे बच्चे का क्या हाल है, मेरे बीवी का क्या हाल है, पड़ोसी का क्या हाल है, आके देख ले। ठीक है, और यहाँ पर हैं, काफी तकलीफ में हैं। अभी ये भी काफी बोल रहे थे कि बार बार लोग आते हैं आकर के बात दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से हालात है इनके, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद कादिर। क्या नाम है? मोहम्मद कादिर। कादिर जी बहुत तकलीफ, बहुत काफी परेशान लगा है, क्या वजह है? आप वजह से कमीशन पे एकदम देख रहे हैं कि क्या कभी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो आप 5 साल से कहते 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 छतरा होगा, क्या होगा, कल होगा, परसों होगा, महीना का वो महीना में वो महीना से जी महीना हो गया।
कहाँ कुछ हो रहा है, हमेशा ऐसे ही रहता, ऐसे रहता, नहीं निकलता पानी, आता बहुत हो गया, देखते हैं ना बहुत हो गया पानी। अभी तो एक ही दिन बारिश, अच्छी बारिश कल ही हुई है, अभी तो बारिश होना बाकी है। और देखिए क्या हालत होगा, पब्लिक का क्या हालत होगा, इलाहाबाद का क्या हालत होगा। कुछ जो महिलाएं हैं वो हम उनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ उन्हें परेशानी होती है, जैसे क्या कितनी परेशानी होती है। बहुत ज्यादा परेशानी है, नहीं हम लोग बकरीद मना सके, और इतना पानी में दिए दफे निकले हैं, इसलिए तो पानी के वजह से हम घर को छोड़ दिए थे, मगर हम एक महीना हुआ हमको आना पड़ा है, निकल नहीं पाते हैं, दवा डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम दवा नहीं लेते हैं, मजबूर हैं। अच्छा, डॉक्टर के पास भी जाना मुश्किल हो, मुश्किल हो, कैसे हम जाएं, यहाँ गाड़ी भी नहीं आता है, 2 फीट की गहराई में ये पानी वगैरह नहीं आ सकता है, कुछ नहीं आता है, नहीं रिक्शा आता है, बैटरी वाला आता है, टेम्पो आता है, यही रहते हैं, यही घर है, यही मेरा घर है। तो पानी के वजह से हम किराया में भी अख्तियार कर लिए, ये पानी के वजह से, फिर काम कितना दिन तक हम किराया में रहे दूसरे के घर में, अपना घर है बाल बच्चे। अच्छा, अपना घर रहने के बावजूद पानी के वजह से 9 महीना हम रहे हैं किराया देकर के। अच्छा, पानी के वजह से तो रोड सही हो जाएगा, रोड सही होगा, मगर रोड तो सही कोई करने वाला है नहीं, तो मजबूरी पर फिर हम 1 महीना में हम फिर आ गए। क्या लगता है इन सब चीजों की वजह से कौन जिम्मेदार होता है, कौन लोग होते हैं जिनकी वजह से ये हाल है? ये हमारे वार्ड कमिश्नर और यहाँ विधायक जी जो वही जो होगा वैसे है, और क्या रहेगा। आप वोट देती हैं? वोट कर, हाँ वोट देते हैं, वोट आता है तो देते हैं, देते हैं। जिस वक्त वोट देने जाते होइएगा उस वक्त यही सोचते होइएगा कि विकास विकास हमारे काम अच्छी होगा, अच्छा करना चाहिए ना, लेकिन करता नहीं है, करता नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ महिलाओं से भी बातचीत हो रही है, इन लोगों का ये कहना है कि किस तरह से परेशानियां यहाँ पर होती है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परिवार 9 महीने तक कहीं और जाकर के किराए में रहता है, जबकि अच्छा खासा मकान है। वजह साफ है क्योंकि इस गंदगी में जीवन यापन करने में काफी कुछ परेशानी होती है, न कोई आदमी यहाँ से सही से हॉस्पिटल जा सकता है, न कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकता है, कहीं भी जाना काफी मुश्किल है। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं, ग्रामीण भी है, हम उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ वजह है कि यहाँ पे पानी लगता है और कब से ये हालात बने हुए हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं, तमाम जानकारी हम यहाँ के गांव के जो लोग हैं उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकबर। अकबर जी, आप यहीं के रहने वाले? जी जी, यहीं के। ये जो पानी लगा हुआ है क्या कुछ दिक्कत होती है? बहुत सारी दिक्कत है, 5 साल से 6 साल से ये दिक्कत सहना पड़ रहा है यहाँ के लोगों को, 6 साल से यही हाल है। हाँ यही हाल है, 5-6 साल बरसात में पानी इसी में रहता है, बस इसी में रहता है। तो कैसे जीवन यापन चलता है? बहुत परेशानी के साथ चलता है, लोग देख ही रहे हैं कि कैसे जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं वहाँ से। जिनको आप लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, नेता चुनते हैं, वो लोग काम वाम नहीं, वो काम वाम कुछ नहीं करता है, बस खाली लोगों को झांसा देता है, पैसा ठगता है, लाओ 2000 1000 200 ऐसे, मतलब कि वो प्रतिनिधि है, किसी काम का नहीं है वो, किसी काम ना। कौन जिम्मेदार लगता है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं गांव समाज के लोग जब घर बनाते हैं तो उनका भी कर्तव्य होता है कि अपना ऊंचा करके रहे। तो ऊंचा मतलब कि जो सरकार की चीज है उसमें लोग अपना नहीं ना खर्च करना, सरकारी गली है रास्ता। जी जी, ये सरकारी गली है, समझे नहीं, ये जो वार्ड का वार्ड की गली है ना। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद उमर। उमर जी, ये जो रास्ता का हाल बना हुआ है कब से है ये हालात? ये लगभग 5 साल से है। तो कभी आप लोग इसको लेके कम्प्लेन वम्प्लेन नहीं करते हैं? हमने कम्प्लेन तो नहीं किए थे, हम जब राजविलास होटल जो है उसमें हम जब गए थे खाना खाने के लिए, तो उसमें समीर कुमार महासेठ बैठे हुए थे, हम इसका वीडियो बनाए हुए थे, विधायक जो है, विधायक, उनको हम दिखाए थे, तो उनको बोले अंकल मेरे गली का ये हाल है, तो बोले थे ठीक है बेटा हम इसका वीडियो मेरे चाचा पे भेजना और हम इसका कई करके हम बनवा देंगे। तो उसके बाद फिर हम उन्हें फोटो डालते रह गए, फिर पीओ साहब को दिया गया, भेजे व्हाट्सएप पे, तो पीओ को अभी तक बोला गया कि बनेगा रोड पास होने के लिए दे दिए वहाँ, मगर अभी तो कोई काम नहीं हुआ, पास नहीं हुआ। और भी लोग हैं, अभी ये भाई साहब भी आ रहे हैं उधर से ही भिंगते। कहाँ पे घर है आपका? इसी गली में घर है। तो कैसे आना जाना रहता है? बहुत मुश्किल है आना जाना, यहाँ जीना मुश्किल है इस गली से, आना जाना तो छोड़ दीजिए। बाल बच्चे आपके स्कूल वगैरह भी जाते हैं? जो जाता है। कैसे इसमें ड्रेस पहन के गोदी में लेकर के जाना पड़ता है?
गोदी में उठा करके बच्चा को यहाँ तक लाना पड़ता है। कितना दिन हाल रहता है सर? एक और साहब आ रहे हैं। सब दिन इसी तरह रहता है, ये सालों भर इसी तरह रहता है, समझे? कोई इसको जो है सो मतलब ये पूछने वाला नहीं है। हमारे यहाँ का वार्ड कमिश्नर बजरंग महतो है, वो भी एक बार नहीं आते हैं कि हाँ भाई लोग कैसे चलता है, कैसे रहता है, क्या करता है, कोई मतलब पूछने वाला नहीं है इस गली में, समझे? सब अपने अपने काम में मस्त है। एक बात और कहना चाहेंगे कि जब ये रोड दो गली बना, पहला गली जिनानी मास्टर का, दूसरा गली वो बना, तीसरा दूसरा गली में जब कमिश्नर थे वहाँ हम जा कर के उनको बोले कि मेरे गली का तो कुछ करवाई कि उसका बनवाइए, तो बोला हाँ होगा होगा, खाली बातें को फलसे में जाने देते, कुछ नहीं होता, खाली पानी आते, ईद बकरीद होगा तो मस्जिद का सफा सफा सफाया करेगा, जहाँ का खाली पानी रहेगा पानी को उपचार देगा, बस उतनी काम है, उससे आगे कोई काम नहीं। जब जीत करके यहाँ आए थे तो बोले थे कि हम देश का बात करेंगे, विकास का बात करेंगे, आज नाला रोड, सबसे पहले बच्चे लोग बीमार पड़ता है, रोड पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, तभी कहाँ से आया पानी जो लगा रहता है, उस समय कहाँ गया? तक लगा हुआ पानी, यहाँ से लेके मेरे घर तक पूरा पानी लगा हुआ है। कितना है गली लगभग? कितना दूर लगभग? मतलब 200-300 meters के रेंज में है। आप भी अभी आ रहे थे उधर से, क्या कितनी दिक्कतें होती है? बहुत दिक्कत होती है, क्या दिक्कत होती है? हम तो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की सड़कों को भी आपने देखा है, वही तो यहाँ पर तो मान लिया की देख करके तो खुद ब खुद ताजुब होता है की मान लिया हमारे वार्ड कमिश्नर क्या करते हैं वो समझ में नहीं आता। जब भी आते हैं बस हाँ हो जाएगा हो जाएगा, हो जाएगा बस हो जाएगा, आ तो होते होते तो मतलब अब इलेक्शन का टाइम हो गया, अभी तक हुआ नहीं। इतना पब्लिक को परेशानी होती है, लेडीज मतलब जेंट्स तो चल जाते हैं, जेंट्स तो चलो भाई हम लोग हैं, मतलब लेडीज की में चलो बेपर्दगी होती है। अच्छा, लेडीज देखा यहाँ पे पाइप अभी आप नहाते अभी हैं। आप देखो मान लिया कि कितने बच्चे लोग आ गए हैं, पूरे का पूरे लेडीज की क्या होती है, सबसे बड़ी बात है लेडीज पर्दे में होते हैं, मगर यहाँ हमारे वार्ड कमिश्नर कुछ नहीं करते। बारिश हुई पानी कल मतलब कल सारा दिन लगा, आज लगा, अभी तक कोई मतलब ही नहीं उपजाने उपजाने का। मान लिया की आज पानी लगी है, महीना भी यही पानी लगा हुआ रहेगा, डेंगू मलेरिया क्या क्या बीमारी चलता है मगर कुछ पता नहीं है, बीमारी पड़ेगा ही। यहाँ पे नाले का भी कुछ नहीं है, ना सड़क का कुछ है, नाला और रोड दोनों बंद है। 200 feet माना जा रहा है कि अंदर तक है। तो जिस तरह के हालात यहाँ पे बने हुए हैं, आप खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि कैसे यहाँ लोग अपना जीवन यापन करते होंगे। जिस तरह से हालात बने हुए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, किस तरह से वो स्कूल जाते होंगे आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन छोटे छोटे बच्चों को आपको देख करके खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या कुछ हालात हैं, कैसे लोग यहाँ से जाते हैं काम करने के लिए भी इसी सड़क से गुजरना पड़ता है। तो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं लोग उनसे काफ़ी नाराज़ हैं और काफ़ी परेशान हैं। जनप्रतिनिधि से बातचीत करने की कोशिश जब यहाँ के लोग करते हैं तो उनका ये कहना होता है कि हम करवा देंगे, लेकिन ये काम पिछले 5 सालों से नहीं हो पा रहा है, हालात बद से बदतरीन हो गया है। सड़क क्योंकि आप देख सकते हैं जहाँ तक मोहल्ला आपको दिखाई पड़ रहा होगा, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर गाड़ी पे भी कोई बैठ करके जाना चाहे तो वो बमुश्किल से जा पाएगा। तो ये हालात है। बाबू क्या नाम है तुम्हारा? नहीं बोलेगा ये, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हैदर। हैदर भाई कैसे गुजारा होता है इधर? बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कत है। कब तक रहता है, कैसे रहता है? हमेशा ही रहता है, बरसात हो या कुछ भी हो पानी भरा ही रहता है। क्या करते हैं आप? सिलाई का काम। बताइए, इसी में थूकना भी पड़ता है? थूकना ही पड़ेगा ना, इसी में रहना पड़ता है, इसी में रहना पड़ता है, काफी परेशान है। यही आगे तो ये हालात है, तस्वीरें काफी दुखदायक है। पीछे तक आपको तस्वीरें हम दिखा पा रहे हैं, जहाँ तक तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं, कहीं ना कहीं हालात ऐसे ही बने हुए हैं। तमाम जो सड़क का हाल है वो यही है, लोगों का जिनका घर थोड़ा ऊंचा है कहीं ना कहीं वो सेफ जोन में तो है, लेकिन घर से निकलना तो इसी सड़क से होकर के है, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें ज्यादा। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें, जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।